Hello everyone and welcome to Clad Possible. I'm your mentor Shrikant Tripathi, and guys, welcome to this exclusive newspaper analysis of The Hindu. Now guys, in today's session, we are going to discuss the newspaper of September 1st, 2023. Okay, so guys, I hope all of you are ready for this interesting session. So, ek ek karke dekhna shuru karte hain kya hai yahan par. Wait a second, guys. Seems some technical error. Okay. Fine. So, guys, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं. Congress seeks joint parliamentary committee probe into Adani row. OCCRP alleges round tripping of millions of dollars via Mauritius-based funds managed by Adani partners. India's reputation at stake, says Rahul. अब यहाँ पर गाइस जो बात हो रही है वो बात हो रही है बड़ा सिंपल सा. हम लोगों ने देखा था फरवरी के महीने में अडानी इंडस्ट्रीज अडानी ग्रुप को लेकर के एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था हिंडनबर्ग रिपोर्ट. हालांकि उस रिपोर्ट को कंप्लीटली इनवैलिड मान लिया गया है. नाउ इट हैज बीन टोल्ड कि भाई उसका रेलेवेंस नहीं था. कई सारे प्रूफ्स भी मिल गए हैं. ये भी पता चला है कि भाई हिंडनबर्ग वाज इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द शॉर्ट सेलिंग. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें. लेकिन अब ये जो ऑपोजिशन है ये इसको और फर्दर लेकर के जा रहा है. कैसे लेकर के जा रहा है? Stepping up its attack on the central government after the organized crime and corruption reporting project investigations revealed fresh charges against the Adani group. The Congress on Thursday called it the biggest scam of independent India. Okay, ab yahan par OCCRP ne ye bataya hai ki bhai there is a lot of राउंड ट्रिपिंग जो इन्वॉल्व्ड है इस अडानी वाले केस में. अब ये जो डेटा है, ओके, नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये टोटली बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है. अब यहां पर आपको एक चीज ये समझना है, द इंडस्ट्रियलिस्ट इज इंडियन एंड द ऑपोजिशन हियर इज सपोर्टिंग या इज टेकिंग फैक्ट्स. इसमें कोई बुराई नहीं है, गलत सही कोई भी पब्लिश कर सकता है. बट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि भाई आपने फरवरी में ये फियास्को शुरुआत करवाया था. नाउ यू डोंट ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, यू डोंट ट्रस्ट द इंडस्ट्रीज ऑफ दिस कंट्री, यू डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, दैट्स क्वाइट क्लियर. तो यहाँ पे आप और इसमें देख सकते हैं, कोई भी एजेंसी यार इंटरनेशनल, आपको मालूम है राफेल के टाइम पे भी यही हुआ था. फ्रांस में एक मैगजीन जिसके जो टोटल सब्सक्रिप्शन था, मंथली सब्सक्रिप्शन था, विच वाज 6,000 पीपल, उन्होंने एक चीज लिख दी कि देयर वाज सम घोटाला इन द राफेल केस, ओके, ऑफ द 36 हैंडलिंग ऑफ द 36 राफेल्स बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. नाउ दैट मैटर बिकेम सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया. एक ऐसा मैगजीन जिसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 6,000 लोगों का है. दैट्स हाउ इंडियन पॉलिटिक फंक्शंस. ओके, तो यहाँ पर आप अपने आप ही देख लीजिए. बहरहाल दिस इज नॉट दैट रिलेवेंट, बट हाँ आई वुड टेल यू कि आप एक बार व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग उसको पढ़ लीजिएगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट उसके बारे में पढ़ लीजिएगा. हमारी जो जीके परफेक्ट मैगजीन है वहां पर हमने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करके रखा हुआ है. सो प्लीज जस्ट मेक श्योर यू आर रीडिंग इट. ओके, नेक्स्ट. Statehood for JNK may take time. Polls can be held. Government. The center on Thursday conveyed to the Supreme Court its inability to commit to an exact time period within which full statehood would be resorted to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The Union government, however, said Jammu and Kashmir was ready to hold elections anytime now. Appearing before a constitution bench headed by CGI D.Y. Chandrachud, Solicitor General Tushar Mehta assured the court that the Union Territory status of JNK was a temporary phenomenon. So, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये कि भैया now it has been told by the government that JNK is ready for
इलेक्शंस इलेक्शंस के लिए एकदम तैयार है। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर डीलिमिटेशन कमीशन जो था, डीलिमिटेशन कमीशन, उसने भी अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट कर दी है। फाइन, सो यस वी कैन सी दैट इलेक्शंस कैन हैपन एनी टाइम सून इन जम्मू एंड कश्मीर, ओके। और जो फुल स्टेटहुड का जो दर्जा है वो भी उसको बहुत जल्दी जल्दी मिल सकता है, राइट। तो एक बार को डीलिमिटेशन कमीशन इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ओके। डीलिमिटेशन कमीशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट, इकोनॉमी ग्रोज 7.8 फास्टेस्ट इन 4 quarters, ग्रोथ इन इंडियाज जीडीपी एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी स्पेड टू अ 4-quarter high of 7.8 in the first quarter of this financial year, but economists reckon that a weak monsoon, high inflation and global headwinds could temper the pace of the growth through the rest of 2023-2024. वही बात है ना, criticism हर चीज में, okay, जो हो रहा है, नहीं 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 हो सकता है आगे खराब हो, okay, ये वाला जो फंडा है ना, ये हमारे पॉलिटिशियंस का भी और हमारे मीडिया का भी एकदम ये सेम है। सो बहरहाल रिसेंटली जो रिपोर्ट रिलीज हुई है इंडियन इकोनॉमी का जो फर्स्ट क्वार्टर है, द जीडीपी ग्रोथ व्हिच इंडियन इकोनॉमी हैज ऑब्जर्व्ड इज रियली स्टैंडिंग वेरी सॉलिड एट 7.8%। 7.8% पर हमारा फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। यहां पर ये बता, अच्छा, एंड दिस इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड आप ये कह सकते हो पिछले 4 सालों में 2020, 2021, 2022 एंड टेक्निकली 2023 एज वेल, वी विल बी द कंट्री टू ऑब्जर्व द फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि भाई क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है, मॉनसून बहुत कमजोर था, ओके, और जो ग्लोबली जो दुनिया भर में चेंजेस हो रहे हैं, दैट माइट एंड अप टू, ओके, दैट माइट एक्चुअली स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन टाइम टू कम। लेट्स सी क्या होता है इसमें, यहां पर ओके लिख लेते हैं, ग्रोथ एक्सेलरेट्स, ये यहाँ पे जो डायग्राम है, इंडियाज जीडीपी ग्रो बाय 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 compared with 13.1% growth rate in quarter one financial year 2023. Last year ka jo growth tha beta, last year ka jo growth tha first quarter mein, that was 13.1%, okay? Toh us time pe bhi kuch na kuch bola hi raha hoga, theek hai? That's the speciality, that's the beauty of our Indian media and Indian politicians, okay? So, matlab things are having a good time. The Indian economy is definitely doing really well, okay, it's definitely moving at a good pace and the foundation of the economy is really very strong, okay. Chaliye, theek hai. Now ye jo estimates the, ye estimates release kisne kiye, ye aapko ek baat samajhni hai. So these estimates were released by NSO, National Statistical Office, National Statistical Office, National Statistical Office. Okay, this data was released by whom? This data was released by National Statistical Office. उसने यहाँ पे release किया है, right? Okay. यहाँ पे हम लोग यहाँ से सीधा हम लोग कहाँ पे चलते हैं? जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है उस पे हम लोग चले आते हैं, ओके okay. चलिए अब यहां पर मैपिंग टाइज, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग टाइज अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये वाला आप समझिए, China must show its neighbors the sensitivity that it demands of them. A week after the first conversation in many months between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping, India and China appear nowhere near coming to any kind of understanding to repair their relations. On the contrary, relations this week have faced another storm.
with the two sides clashing over China's issuing a new map and reports on Thursday suggesting that Mr. Xi Jinping may skip the G20 summit in Delhi next week. The Chinese Foreign Ministry did not confirm those reports, but it also chose not to deny them. Events this week, meanwhile, served a reminder of the currently low levels of trust, with the relations arguably at their lowest since the normalization of ties in the year 1980. Okay, on August 28, China issued what is called as a standard map. अब यहाँ पर आप बात समझो। आप लोगों को याद होगा last class में भी मैंने last जो session लिया था उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बुलाया था कि भाई China is a country who is now facing a lot of issues and especially pertaining to like the government is facing a lot of criticism, not from the world but from the people itself, the people of China. Okay, the economic growth in China, the economic growth in China is really getting down. Okay, saath-e-saath the trust which the government had, they have lost this trust. अब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग ऑलरेडी गुस्से में हैं, दुखी हैं, कंपनीज कब चाइना छोड़ छोड़ करके जा रही हैं, लोगों के पास राइट्स नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक प्लान किया. क्या प्लान किया? एक काम करते हैं, जस्ट ट्राई टू टाइम टू रेज अ कॉन्ट्रोवर्सी. कैसे कॉन्ट्रोवर्सी रेज करी? एक स्टैंडर्ड मैप बोल करके उन्होंने अपना मैप इशू किया, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया, उसमें उन्होंने दिखा दिया अक्साई चीन उनका पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है, ताइवान उन्होंने अपने हिस्से में मिला दिया. सो द चाइनीज पीपल आर वेरी हैप्पी. यस यस, ये देखो ये सरकार ने हमारी इतना सारा इनिशिएटिव ले लिया. अब यहाँ पे इंडिया ने भी क्रिटिसाइज किया और वहां पर ताइवान ने भी क्रिटिसाइज किया. अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लोगों का सपोर्ट चाहिए तो आप क्या बोलोगे? सी वी आर बीइंग सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स. यहाँ पे इंडिया हमको प्रेशराइज कर रहा है, यहाँ पे ताइवान हमको प्रेशराइज कर रहा है. आप लोग चाहते हो क्या कि सरकार को, आपके देश वालों को कोई प्रेशराइज करे इस तरीके से, आपकी गवर्नमेंट को? ऑटोमेटिकली पेट्रियोटिज्म इज समथिंग विच इज प्रेजेंट इन एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. वो लोग सब अपने दुख दर्द भूल करके बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वी हैव टू गिव देम. बस दिस इज द रीजन व्हाई चाइना हैज रिलीज्ड दिस न्यू मैप, और कुछ भी नहीं. बाकी देखो, चाइना इज अ कंट्री जिसको पता है मुझे रिलेशंस नॉर्मलाइज किसी के साथ करने ही नहीं है. दे आर टोटली वर्किंग इन अ डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट. अभी क्या है, अभी दे आर द मैन्युफैक्चरिंग हब, बट नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि सून दे आर गोइंग टू लूज द स्टेटस. मैं ये नहीं बोल रहा कि एकाएक दो साल में चेंज हो जाएगा ना, इट्स गोना टेक सम टाइम, इट्स गोना टेक अनदर 15-20 इयर्स, ओके, बिफोर इंडिया कैन रिप्लेस चाइना. बट धीरे धीरे यू नो थिंग्स, एक होता ना शुरुआत, आपको पता चल जाती है कि हाँ भाई दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड. तो जो मोनोपोली थी चाइना की एंड दिस इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ चाइना, द वैल्यू ऑफ इंडिया एंड इंडियन पासपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द रेपुटेशन विद विच वी आर गेटिंग सक्सेस विच वी हैव क्रिएटेड ओके फॉर अस, ये सारी की सारी चीजें दे हैव बिकम अ पॉइंट टू थिंक, अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर चाइना. तो यहां पर चाइना का ऑब्जेक्टिव लास्ट वीक ही यार जोहानिसबर्ग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, उसके बाद दिस एक्टिविटी बाय चाइना, इट क्लियरली शोज कि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है दोस्ती में इंडिया से. साथ ही साथ अब ये पता चल गया कि भाई जो 9th और 10th को जो G20 हेड ऑफ द स्टेट्स के समिट की, मतलब लीडर्स की जो मुलाकात हो रही है, उसमें शी जिनपिंग भी नहीं आ रहा. पहले व्लादिमीर पुतिन ने मना किया, अब शी जिनपिंग भी नहीं आ रहा. व्लादिमीर पुतिन का रीजन समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है, थ्रेट है वहां पर. शी जिनपिंग को क्या थ्रेट है? Joe Biden is coming, Justin Trudeau is coming, Emmanuel Macron is coming, Rishi Sunak is coming, Anthony Albanese is coming, every big leader of the world is coming. What problem do you have? This is nothing but एक अप्रोच है, नहीं मैं बात नहीं करूंगा, यू नो आई एम टेकिंग अ स्टैंड अपने कंट्री के लोगों के सामने. देखो मैं G20 समिट में नहीं गया, क्यों? क्योंकि वो इंडिया में हो रही थी, राइट? ये चीज, दिस आर्टिकल एंटायरली मेंशंस अबाउट दैट क्लेम. स्टैंडर्ड मैप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. द मैप दैट इज इश्यूड बाय चाइना, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मैप कहते हैं. ओके, सो ये पूरा का पूरा सिंगल आर्टिकल इस, अच्छा नहीं, एक और है. फाइन, एक चीज और यहां पर, नेबर्स राइवल द एशिया कप रिमेन्स हॉस्टेज टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस. अब हम लोग जानते हैं कि भाई क्रिकेट में एशिया कप हो रहा है, एशिया कप इज बीन प्लेड,
कहाँ पे खेला जा रहा है? बहुत सालों के बाद पाकिस्तान कोई मल्टीलैटरल टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है अपनी जगह पर, ठीक है, अपने मतलब पाकिस्तान में। इंडिया की टीम ऑब्वियसली वहां पे खेलने के लिए गई है। सो उसी के बारे में, द एशिया कप टूर्नामेंट ओरिजिनली लॉन्च टू प्रमोट एशियन सॉलिडारिटी इन क्रिकेट इज ऑफन कॉट बिटवीन द फिशर्स दैट डिफाइंड इंडियन सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1984 विद बॉर्न होमी बिटवीन द बिग थ्री इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका। द चैंपियनशिप सून became captive to political issues that cropped up between these nations, with the India-Pakistan narrative being the primary basis for grudges. Still, the continental skirmish has developed a deep root, lasted the distance, embraced new teams such as Bangladesh, Afghanistan, and even had Hong Kong and United Arab Emirates. And when the 16th edition commenced at Multan in Pakistan on Wednesday, even Nepal was in foray. Okay, the latest edition has a share of heartburn. Originally scheduled to be entirely held beyond the Wagah border, India's refusal to tour Pakistan forced a compromise, with Sri Lanka stepping in as co-host. Pakistan bristled and then got practical, and it is a sad reality that India's last tour of its neighbor happened during the 2008 Asia Cup in Karachi. Much water has flowed down the Indus, but old wounds continue to fester. The current version has six teams split into two groups, leading towards the Super Four stage before concluding the finals at Colombo on September 17th. अब आप एक चीज समझ लो, पाकिस्तान में मतलब ये जो फाइनल जो खेला जाए, इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे, ऑल ऑफ दोज मैचेस विल बी प्लेड इन श्रीलंका। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, और स्टैंड है यार हमारा, वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ दैट स्टैंड। हम जाएंगे, तुम पैसा कमाओगे, एंड लेटर ऑन यू विल यूज दैट मनी अगेंस्ट इंडिया। आप हमें से तो पैसा कमाओगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच का ही तो पैसा मिलता है, दैट टू वहां पे लोग सोचिए टूट पड़ेंगे। एंड आर टीम हैज अ थ्रेट, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, इसमें कोई वो नहीं है, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, एंड हम लोग उसको मना नहीं कर सकते, मतलब उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। वो चाहे आप कुछ भी अमन की आशा वाशा वो सब देखो एक अलग चीज है, बट रियालिटी इज एंटायरली डिफरेंट, रियालिटी इज टोटली डिफरेंट। पाकिस्तान इस समय बेंड इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर एक इश्यू वो लोग फेस कर रहे हैं। तब उनको याद आ रही है कि भैया वी कैन नॉट सेवर आर टाइज विद आर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर व्हिच इज मेकिंग इट्स नेम इन द वर्ल्ड। इंडिया के साथ रहना हमारे लिए फायदेमंद है। वहां के लोगों को समझ में आ गया, आवाम को वहां के, कि भैया चाइना हमारे लिए प्रॉब्लम है, इंडिया हमारे लिए सही सोल्यूशन है। बट इतनी जल्दी हम लोग वी वोंट लेट थिंग्स हैपन दिस वे, we will first end all the issues which are present between the countries, tab baat hogi, chahe wo cricket ho chahe wo jang ka maidan ho, we will have the same stand everywhere. to yahan par asia cup ke bare mein aap ek cheez aur samajh lijiye, asia cup ka jo format hota hai, it is decided by what would be the format of the next icc tournament. jaise abhi hum log dekhenge october mein 50 overs ka odi ka world cup shuru ho raha hai, to icc एशिया कप, सॉरी जो एशिया कप है वो भी 50 ओवर्स का होगा। अब अगर ये T20 का वर्ल्ड कप होता जैसे लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर T20 के वर्ल्ड कप से पहले क्या हुआ, एशिया कप हुआ, वो कौन से फॉर्मेट में हुआ, वो T20 वाले फॉर्मेट में हुआ। तो ये वाला आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इट्स जस्ट देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हियर, सो यू जस्ट यू कैन गो थ्रू इट, ओके दैट्स इट, श्योर फाइन। सो गाइज ये तो है हमारा, एक बार टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं बस खत्म, फिर उसके बाद आज के एनालिसिस को। Okay. Text in context, the bid amount for broadcasting India's home series, 6,000 crores, Viacom Entertainment 18, has created a near monopoly by bagging both TV and digital rights of the national team's home series for the next 5 years. अगले 5 साल के लिए इंडिया क्रिकेट टीम के जितने भी मैचेस होंगे, होम मैचेस जो होंगे, उसका राइट्स किसने ले लिया है, Viacom 18 ने ले लिया। कितने रुपए में लिया, 6,000 करोड़ में। Increase in the economic growth in India's April to June quarter, already इसको discuss कर चुके हैं, 7.8. Increase in tea production in India in the month of July, 6.2% से हमारा tea जो production है वो increase हुआ है। Number of firms that have applied for the IT hardware PLI scheme, याद करिए प्रधानमंत्री ने एक order दे करके जितना भी कंप्यूटर्स का, डेस्कटॉप्स का, लैपटॉप्स का इंपोर्ट होता था उसके ऊपर इमीडिएट बैन लगा दिया है। तो बदले में क्या हुआ, ऑल दीज कंपनीज दे हैव स्टार्टेड सेइंग भैया हम बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एंड दे हैव स्टार्टेड रिपोर्टेड
रिपोर्टिंग अंडर द पीएलआई स्कीम, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना शुरू है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कितनी कंपनीज अभी तक करा चुकी है? 40 कंपनीज। ठीक है, तो यार ये है आपका आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एक बार आप लोग ना डिकोडिंग द ओसीसीआरपी इस रिपोर्ट को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के साथ क्लासरूम में डिस्कस जरूर करवाइएगा। फॉर ऑल द सेंटर्स लखनऊ इलाहाबाद, आई विल टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्या है ओसीसीआरपी, इसके बारे में हम लोग क्लासरूम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो गाइज, दिस वॉज विद रेफरेंस टू टूडेज न्यूज पेपर एनालिसिस। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। Okay, for more such videos, please follow us on Instagram. Okay, our Instagram ID is clatpossibleofficial. This is your mentor, Shrikant Tripathi. We'll see you soon in another video. Till then, bye-bye. Take care. Study hard, study well. Thank you very much, guys.